हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टाइनी टॉट स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन। टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट ईवीएस। ईवीएस में हमारा जो सेकंड चैप्टर है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें हमने पेज नंबर 7 और 8 किया था। अब हम जो हाफ चैप्टर हमारा रिमेनिंग है वो कंप्लीट करेंगे। से एंड राइट क्लास एक्टिविटी। यहाँ पे देखिए क्लास एक्टिविटी दे रखी है, हमें बोलना भी है और लिखना भी है। तो यहाँ पे बुक की स्पेलिंग दे रखी है, पेंसिल की स्पेलिंग दे रखी है, बैट की स्पेलिंग दे रखी है। तो आपको बोलना भी है और उसे लिखना भी अच्छी राइटिंग में। तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे। BOOK बुक, BOOK बुक, BOOK बुक। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आपको रेड लाइन से ब्लू लाइन तक अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। नेक्स्ट स्पेलिंग कौन सा है? पेंसिल, PENCIL पेंसिल, PENCIL पेंसिल, PENCIL पेंसिल, PENCIL पेंसिल। बैट, BAT बैट, BAT बैट, BAT बैट। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या थी? क्लास एक्टिविटी। अब यहाँ पे होम एक्टिविटी दे रखी है, उसमें कौन सी स्पेलिंग दे रखी है? HEN हैन। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद कौन सी है? BOY बॉय, HEN हैन, BOY बॉय, PLANTS प्लांट्स, PLANTS प्लांट्स। तो आपको ये होमवर्क में करना है, आप पेज टर्न कीजिए। ये देखिए क्लास एक्टिविटी, सर्कल द लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स है उसमें आपको सर्कल करना है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, जो लिविंग थिंग्स होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, सांस ले सकता है। तो अब यहाँ पे पिक्चर्स दे रखे हैं, फिश, पेन, टेबल, बॉय। तो अब यहाँ पे लिविंग थिंग्स कौन सी है बताइए मुझे? लिविंग थिंग्स कौन सी है? पेन लिविंग थिंग्स है? नो। टेबल लिविंग थिंग है? नो, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। फिश लिविंग थिंग है, तो उसमें आपको क्या करना है? सर्कल करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बॉय लिविंग थिंग है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो इसमें आपको सर्कल करना है। सर्कल द नॉन लिविंग थिंग्स, अब यहाँ पे क्या करना है? सेकंड में नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें आपको सर्कल करना है। मंकी तो लिविंग थिंग्स है, स्पैरो लिविंग थिंग है, तो आपको बॉल पे सर्कल करना है, बैट पे सर्कल करना है, ये दोनों क्या है? नॉन लिविंग थिंग। अब होम एक्टिविटी में देखिए क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन पिक्चर्स इज ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, पुट अ राइट अकॉर्डिंगली। ओके, यहाँ पे देखो पिक्चर्स दे रखे हैं और यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दे रखा है। तो अब डस्टबिन है वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स है ना, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। ट्री लिविंग थिंग है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। बुक नॉन लिविंग थिंग, बैग नॉन लिविंग थिंग, डॉग लिविंग थिंग, तो आपको ऐसे टिक करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट पेज देखिए, मिसिंग लेटर। यहाँ पे पिक्चर्स दे रखे हैं और लेटर्स दे रखे हैं, पर इसमें से कई लेटर मिसिंग है, तो आपको ये स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। आप देखो यहाँ पे बुक का पिक्चर दे रखा है, बी और के दे रखा है, जो ये लेटर्स है बिटवीन में जो लेटर्स है वो मिसिंग है। BOOK बुक, बुक की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? BOOK बुक। अब नेक्स्ट देखिए, पी
ई एन सी आई एल पेंसिल, पेंसिल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, पी ई एन सी आई एल पेंसिल। अब यहाँ पे बैट है तो बैट की स्पेलिंग क्या होगी, बी ए टी बैट, बी ए टी बैट। नेक्स्ट पिक्चर कौन सा है, हेन, एच ई एन हेन, एच ई एन हेन। नेक्स्ट पिक कौन सा है, बॉय, बी ओ वाई बॉय, बी ओ वाई बॉय। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे देखिए, आंसर द फॉलोइंग, नेम एनी फाइव लिविंग थिंग्स, आपको फाइव लिविंग थिंग्स लिखने हैं एंड फाइव नॉन लिविंग थिंग्स, आपको फाइव लिविंग थिंग्स के नेम लिखने हैं और फाइव नॉन लिविंग थिंग्स के नेम लिखने हैं। तो लिविंग थिंग्स में क्या क्या आएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, बी ओ वाई बॉय, बी ओ वाई बॉय काय में आएगा, लिविंग थिंग्स में आएगा, एच ई एन हैन, एफ आई एस एच, एफ आई एस एच फिश, पी एल ए एन टी प्लांट, टी आर डबल ई ट्री, ये क्या है, लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएगा, बी डबल ओ के बुक, पी ई एन सी आई एल पेंसिल, पी ई एन सी आई एल पेंसिल, बी ए डबल एल बॉल, बी ए टी बैट, सी एच ए आई आर चेयर, बुक पेंसिल बॉल बैट चेयर, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, बॉय हैंड फिश प्लांट ट्री, ये क्या है, लिविंग थिंग्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पेज नंबर 9, 10, 11, 12 जो मैंने वर्कबुक में करवाया है वो आपको वर्कबुक में नोट डाउन करना है और चैप्टर रीड करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।